राजस्थान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अजमेर दौरे पर, शहीद हेमराज जाट के परिजनों से की मुलाकात, केंद्र सरकार पर मंदी को लेकर साधे निशाने। आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट अजमेर दौरे पर हैं। सबसे पहले पायलट ने शहीद हेमराज जाट के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद पायलट गुगरा पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिले, जहां पायलट के पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पायलट को माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर मंदी को लेकर कई निशाने साधे। पायलट ने कहा कि सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार अपनी 100 दिन की उपलब्धियां गिना रही है। सरकार मंदी पर ध्यान न देकर लोगों को मुद्दों से भटका रही है। आए दिन कोई न कोई कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा और कोई ध्यान नहीं है। वही जब ये बात सुनने में आई थी कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की सरकार को विकास के लिए जो पैसे भेजा जा रहा है, उस पैसे की लागत विकास कार्यों में नहीं हो रही है। इस सवाल को सचिन पायलट ने पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। केंद्र सरकार जब भी हमें पैसा भेजेगी तो हम बिना किसी देरी के विकास कार्य में तेजी को लेकर आएंगे। देश में GDP 5% है, क्या बिल्कुल कोई नजर भाई एम्प्लॉयमेंट का बड़ा कुछ 100 दिन हुए हैं, बड़ा असर है। ना सिर्फ आर्थिक से मंदी आई है, आर्थिक जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5% के पास आ गया। वाली करो ना वो दियो मुझे मामला बेरोजगारी का। 100 दिन में सरकार बनने के बाद मिला सरकार को, बेहतर होता कि सारे काम छोड़कर नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को नीति बना दी। अब 100 दिन निकल गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,70,000 करोड़ सरकार ने और ले लिया, लेकिन स्पष्ट नहीं है कैसे इस पूरे मुश्किल हालात से हम लोग कैसे निकल पाएंगे। और उसके ऊपर जाके भाषण दे रहे हैं और उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। जब देश में ऐतिहासिक मंदी है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ जो कारखाने बंद हो रहे हैं, गंभीर समस्या से निकलने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम सारा समय भी दिखना तो दो। हमें लगता है कि प्रदेश में और देश में ये ऐसा माहौल बना है, सरकार बनने के बाद एकदम बाद से धरातल पर ओरिजिन को बीच में और ये बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। मुद्दों को हवा देने की बजाय बेहतर होगा कि केंद्र की सरकार सबको साथ लेकर काम करे, अच्छे समझदार लोगों से संवाद स्थापित करें, ताकि आर्थिक चुनौती का सामना हम पूरा देश कर सके। आज करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो रोजगार से वंचित हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा किया नहीं गया। बनस्पत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर खर्च कर कर कि बताएं हम कितने उपलब्धि की है, कैसे हमने अर्थव्यवस्था को सुधारा है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाना ये सरकार। सर बीजेपी नेताओं का अक्सर ये आरोप रहा है अभी कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो लग नहीं रहा है स्टेट में। वित्त आयोग आया था, हमारी दिल्ली मीटिंग हुई है, हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि राजस्थान को उसका हिस्से का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर कोई राज्य है तो राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार इन सब राज्यों से बड़ा है और यहाँ पर जो बसावट है वो बहुत फैली हुई है और यहाँ पर जो सुविधाएं देनी होती हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, सड़क की, उससे बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम सब ने कल कहा, वित्त आयोग के चेयरमैन साहब आए थे, किसी की हमने कहा कि राजस्थान को इतना पहले पैसा मिलता था, कम से कम उतना तो मिले, लेकिन गिरावट आई है। आंकड़ों के जाल में फंसा कर प्रदेश को कम पैसा देना ऐसा हमें स्वीकार नहीं होगा। मुझे खुशी है कि वित्त आयोग ने कहा है कि अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि जो जो पैसा यहाँ पर आ रहा है, जो केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं, उसको हम बिना रोके काम कर रहे हैं। ये छोटे मन की बात हमारी पार्टी कभी करती नहीं है कि क्योंकि भाजपा ने शुरू किया था स्कीम्स को बंद करते खत्म करते छठी करते, हम तो चाहते हैं कि और व्यापक बनाए, अगर कई कमियां हैं स्कीम में उसको हम बहुत बेहतर सुधार करते हैं। तीन दिन का आरएसएस शिविर रहा है यहाँ अजमेर में, सीमांत सुरक्षा को लेकर बात हुई की जा रही है कि सीमांत की जो सुरक्षा है वो आरएसएस के माध्यम से हो। कोई भी संगठन बजाय प्रवचन करने उनको नमन करना चाहिए इस देश के शहीदों को। ये सारा समय के राजस्थान का दिन हेमराज जी उनको सलामी देकर आए हैं, हमारी वर्दी पहने जो सैनिक खड़े हैं धूप में, तूफान में, जंगल में, बर्फ में, रेगिस्तान में, वो अपने रोज अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और वो हमारी सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।
मुझे लगता है हम सबको देश की एकजुटता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, उन लोगों को अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करना चाहिए। जज्बाती मुद्दों को हवा देकर वोट बटोरने का काम अब समय समाप्त हो चुका है। अब विकास और नौजवानों को रोजगार की बात करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगला खोली नहीं, थोड़ी नीचे मुझे लगता है सबको कानून की पालना करनी चाहिए। और बाकी राजस्थान की सरकार जो जो आदेश आते हैं कोर्ट से वो हमेशा लागू करवाते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार कुछ कार्रवाई करवाई। ठीक है।